बोलिएगा। अच्छा खट्टर के 1932 के हम पहले से बोल चुके हैं, 1932 के हम लोग के यहाँ 1908 का खतियान है। हम तो कह रहे हैं भाई 1932 का बिफोर और आफ्टर भी अगर खतियान है तो उसको सबको सामंजस्य कर लेना चाहिए। कहीं अगर मिनी है तो सर्वे हुआ है तो उसको भी मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं मिनी सर्वे में सब जल गया उस गांव का, उसको नहीं मानेंगे, उसको ही मानना होगा। खतियान जब माना पूरा खतियान मानिए, यहाँ तक कि गैर मजरूआ खास जमीन पर भी बंदोबस्ती हुई है उसको भी खतियान के रूप में मान लेना होगा, क्योंकि वह भी यही मूल वासी और खतियान उसका है। बहुत लोगों का ऐसा हुआ खतियान 10 डिसमिल 20 डिसमिल बना और वो ऐसा बेचारा कहाँ से कहाँ कोल बेल्ट एरिया में हो, चाहे तो एच से हो चाहे सो आपका BSNL हो, चला गया बाल बच्चा लेते हुए 4-5 डिसमिल में क्या करता, बढ़ते गया परिवार उधर झुकी झोपड़ी में रह गया, कहीं रह गया कहीं बस गया, बस गया तो उसका भी गैर मजरूआ सेटल हो गया तो उसको भी मान लेना होगा ना। तो क्या संशोधन चाहते हैं? एकदम बिल्कुल, जिसका खतियान के नाम आया तो खतियान में जितने तरह का खतियान है उसको मान्यता सरकार को दे देना है। नहीं तो? अरे नहीं तो देना ही है। आपका स्टैंड क्या है? आप मेरा स्टैंड खतियान मालिक जितना सबको खतियान मालिक मान लेना है। नहीं तो? नहीं तो क्यों नहीं मानेगा? जब खतियान की बात करें तो आपको मानना है, नहीं मानने के तो बहुत कुछ बात की बात होगी, लेकिन अभी मानना है खतियान शब्द का मतलब खतियान। सड़कों को उतरेंगे? नहीं नहीं, सड़कों को उतरने के यहाँ प्रश्न मानना है खतियान की जब बात करें तो, चाहे 32 का खतियान हो चाहे 64 का खतियान, अभी बोला ना मुख्यमंत्री के 32 और 64 सब हम करेंगे तो उसके आफ्टर भी कहीं खतियान बना कहीं जल गया पूरा रिकॉर्ड किसी विलेज का, अब मिनी सर्वे हुआ सिर्फ एक विलेज के लिए उसको भी मानना होगा ना। अब उसको कहिए इसका हम नहीं मानेंगे तो बेचारे कहाँ जाएगा? 1910 या 8 32 का खतियान चल गया और उसके बाद उसका खतियान फिर से बनाया गया है उसको तो मानना होगा ना। खतियान के मतलब कोई भी खतियान हो सरकार सबकी मान्यता देना है। संशोधन चाहते हैं? बिल्कुल, संशोधन के साथ ही इसको ऐसे लागू होना चाहिए सब तरह के खतियान का। 17 को महाबुलावा भी है, सीएम का क्या रिएक्शन है जदयू का? कहाँ बुलावा? ईडी में अरे तो ईडी अपना काम करते रहेगा, इस तरह से बहुत ईडी सब जगह लगा है, जितना ईडी जाएगा उतने ही है सो कमजोर नेशनल पार्टी होगी और है सो महागठबंधन मजबूत होगा। ईडी तो एकदम दिन रात ईडी सब लोग कर रहा है, जहाँ किसी पर कुछ होगा ईडी फट से लगा। ईडी को बराबर छापेमारी करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करे ना भाई आम लोगों सब जगह करे, फैक्ट्री कारखाना सब खाली राजनेता खाली राजनेता के ज्यादा ज्यादा करते चलिएगा कि नेता को कमजोर करने के लिए। अरे भैया पूरा सब जगह दिन रात इतना है सब लूट घसोट मचाए हुए है, उस सबको धरिए ना, के रोका आपको, स्वतंत्र है आप, लेकिन सिर्फ राजनेताओं को सिर्फ इंगित करके करिए, विपक्षी नेता को विशेष करके, और आपके सत्ता में अगर चल गया तो उसको सब माफ। ये क्या कुछ काम आप लोग के लिए छोड़ रही है भाजपा? हम लोग के लिए क्या के लिए छोड़ेगी? हम लोग ऐसा न्याय के साथ विकास करने वाले आदमी हैं, अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। अगर दोषी वार है तो उस पर कार्रवाई होगी, नहीं दोषी वार है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम रद्द हो, आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या राष्ट्रपति जो आ रही है का कार्यक्रम जो रद्द हुआ है? रद्द हो गया, एक ही कार्यक्रम देखिए, कार्यक्रम रद्द होना दुर्भाग्य इसको हम मानते हैं। लोग इतने खुशी में थे कि महामहिम राष्ट्रपति पहली बार ये झारखंड स्थापना दिवस में आ रही हैं, एक खुशी का लहर लोगों में था कि एक बार कम से कम आग चल जाएगा और यहाँ राज्यपाल रह चुकी है, इसलिए लोगों में ज्यादा सेंटिमेंट पैदा हुआ था। अगर वो नहीं आ रही, किस कारण से नहीं आ रहे हम उसमें ज्यादा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण कहीं है तो इसमें तो कहीं नहीं होना चाहिए इस तरह से, कहीं से अगर हुआ गलत है, और राष्ट्रपति महोदया को अगर ऐसा कुछ नहीं तो आना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।